अंग्रेजी में कहावत है द डेस्टिनेशन इज इंपोर्टेंट जर्नी इज नॉट इंपॉर्टेंट मतलब ही तो की बात है लेकिन देह तक पहुंचने का रास्ता वो भी एंजॉय करना वो यात्रा का आनंद लेना वो भी एक सफलता है सिर्फ देह तक पहुंचना वो सफलता नहीं है जाते जाते यात्रा में आनंद करते रहना वो भी सफलता है और वो सफलता पाने के लिए ये मुद्दा अगत्य का है हंसते रहना आनंद करता रहना और अपना काम करते रहना तो आपको कोई बात कोई विचार कोई व्यक्ति कोई घटना कोई आपको विचलित कभी नहीं कर सकती हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को किसी ने पूछा एक क्वेश्चन आंसर सेशन में कोई बच्चों के साथ वो प्रश्नोत्तरी कर रहे थे लाइव डिजिटल तो किसी बच्चे ने पूछा कि आप में तो बहुत शक्ति है इतनी उम्र में आप इतना काम करते हो अभी भी नॉर्डिक देश में गए थे यूरोप में अभी जापान जाके आए चालीस घंटे बाहर गए उसमें तो तीस तो मीटिंग की उन्होंने इतनी शक्ति से आप काम करते हो उसके उसकी वजह क्या है उन्होंने अच्छी बात बताई वजह यह है कि मैं रोज सुबह बहुत खाता हूं तब सभी को आश्चर्य लगा कि यह तो कोई उत्तर होता है क्या मैं रोज सुबह बहुत खाता हूं इसलिए शक्ति है फिर आसान से बड़े प्रेम से हंसते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं रोज सुबह उठ के एक टन गालियां खाता हूं इसलिए शक्ति बहुत आती आती है अच्छा। तो अभी तो हम देख सकते हैं कि ऐसे महानुषो के जीवन में बड़ा काम करने वाले व्यक्तियों में वे हताश निराश नहीं होते हैं गाली दी हंसते रहना काम करते रहना प्रशंसा की तो बड़ा मत हो जाना हंसते रहना काम करते रहना सिद्धांत तो यही है संकल्प से सफलता तक पहुंचने का हंसते रहना काम करते रहना स्पीक विथ मी हंसते रहना काम करते रहना हंसते रहना काम करते रहना इसके बीच किसी ने गाली दी तो इसके बीच किसी ने प्रशंसा की तो यह सफलता है अंग्रेजी में एक कहावत है द डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट द जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट अंग्रेजी में कहावत है द डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट मतलब देई तो अगत्य की बात है लेकिन देय तक पहुंचने का रास्ता वो भी एंजॉय करना वो यात्रा का आनंद लेना वो भी एक सफलता है सिर्फ देरी तक पहुंचना वो सफलता नहीं है जाते जाते यात्रा में आनंद करते रहना वो भी सफलता है और वो सफलता पाने के लिए ये मुद्दा अगत्य का है हंसते रहना आनंद करता रहना और अपना काम करते रहना तो आपको कोई बात कोई विचार कोई व्यक्ति कोई घटना कोई आपको विचलित कभी नहीं कर सकती यू कैन नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड एक ही फोकस से आप चल सकते हो और एक अंतिम बात आपको श्रद्धा से कहनी है और ये बात ये है कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखना हमारे सच में बात लिखी है वयम अमृतस्य पुत्रा है हम भगवान के संतान हैं भगवान ने हमारे लिए एक अच्छा जीवन और अच्छे भविष्य का घड़न कर रखा है हम श्रद्धा रखेंगे और धैर्य रखेंगे कार्य करते रहेंगे तो वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे जैसे मैंने कहा मैंने ४०० से भी ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े इन सभी के जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा थी भगवान के प्रति श्रद्धा मतलब एक ही बात वॉट एवर इज इन माई लाइफ सोफार वॉटर इज हैपनिंग इन माई लाइफ

कभी इस फेलियर्स और सेटबैक से आप पीछे नहीं हटेंगे करते रहेंगे